आने वाले कुछ दिन त्योहारों से भरे हैं। आपको बताते हैं किस दिन कौन सा त्योहार आने वाला है। देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी, राधे राधे, मैं हूँ मेघा। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन होते हैं। अब 5 दिन का ही होता है दिवाली का त्योहार। चलिए जानते हैं किस तारीख को कौन सा त्योहार है। प्रकाश का त्योहार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या को होता है। दिवाली का त्योहार केवल 1 दिन का नहीं बल्कि 5 दिन का होता है। ये धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज पर खत्म होता है। इस साल दिवाली का त्योहार 24 अक्टूबर सोमवार को है। चलिए आपको बताते हैं 5 दिन पड़ने वाले इन त्योहारों का नाम। पहले दिन धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी यानी काली चौदस, तीसरा दिन दिवाली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट, पांचवा दिन भैया दूज या भैया दौज। अब ये त्योहार कब कब है चलिए वो जानते हैं। धनतेरस, इस साल धनतेरस का त्योहार 22 अक्टूबर शनिवार को है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और देवताओं के वैद्य धनवंतरी की पूजा होती है। परिवार की उन्नति के लिए धनतेरस पर सोना चांदी धनिया झाड़ू आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत है। यम का दीपक भी धनतेरस को ही निकाला जाता है। दूसरा नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या काली चौदस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होता है। काली चौदस पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस साल काली चौदस की पूजा 23 अक्टूबर की रात होगी, लेकिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 24 अक्टूबर को दिवाली के दिन ही मनाई जाएगी, दिवाली के साथ में मनाई जाएगी। दिवाली, कार्तिक अमावस्या को दिवाली का त्योहार होता है। इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर को है। इस दिन रात के समय माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा होगी। घर को दीपक से रोशन किया जाता है। रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम सीता माता सहित अयोध्या लौटे थे, तब दिवाली मनाई जाती थी और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट का त्योहार होता है। इस साल ये 26 अक्टूबर को बुधवार को है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। इंद्रदेव के घमंड को चूर करने के लिए, गोकुल के लोगों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। उसके बाद ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। भाई दूज, भाई दूज का त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। तब उन्होंने यमुना को वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। इस साल भैया दूज 26 अक्टूबर को है। तो इन 5 त्योहारों के साथ दिवाली का त्योहार सम्पन्न होता है। आप सभी को अभी से ही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए वैदिक टीवी में इतना ही। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। राधे राधे।